बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट है कि टू टेस्ट चार्जेस आर ब्राउट सेपरेटली टू द वेसिनिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यू। मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज फिक्स चार्ज क्यू है और दो चार्जेस, एक दफ़ा क्यू और दूसरी दफ़ा दूसरा चार्ज टू क्यू जो है वो उसको ब्राउट किया जाता है नियर द वेसिनिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है, जब क्यू को लेकर आए तो आर डिस्टेंस था, जब टू क्यू को लेकर आए तो टू आर डिस्टेंस था। तो कहता है कि बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी यू ए की ग्रेटर देन होगी यू बी से या यू बी की ग्रेटर देन होगी यू ए से। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इस केस के लिए, इस सिस्टम के लिए, तो वो ये फार्मूला है। अगर हम इस सिस्टम के लिए निकालेंगे तो उसका ये फार्मूला है, क्योंकि एक क्यू तो हमारे पास ये वाला है, दूसरा क्यू टू क्यू, दोनों दरमियान में टू आर का डिस्टेंस है, टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यू ए इक्वल टू यू बी हो गया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस तरह की सिनेरियो में पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है। दूसरा जो केस है उसमें कहते हैं कि एक चार्ज टू क्यू है जिसका मास सेम है, इनिशियली एट रेस्ट पे है और फिर उसको किसी सम वेलोसिटी से उसको रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो उस केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे, जिसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो इनिशियली तो वो रेस्ट में है, तो उसके पास कोई ना काइनेटिक एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जो ही उसको रिलीज़ किया जाता है तो जहरी बात है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा और मूव करते करते वो पोटेंशियल एनर्जी को गेन या लूज़ करेगा। तो जितनी भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है जो वो लूज़ कर रहा है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी जो वो ग्रेजुअली लूज़ कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। सो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखें, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है चार्ज की कितनी होती है, के क्यू क्यू बाय आर ना। तो एक हमारे पास कैपिटल क्यू है, दूसरा जो क्यू है वो टू क्यू है और दोनों दरमियान में डिस्टेंस जो है वो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है टू आर के इक्वल है। ठीक है, के की वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, जो कैंसिलेशन होती है उसे कैंसिल करें और यहाँ से आप वी एफ की वैल्यू निकाल लें, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है उसमें। ओके, फिर है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे कि हमें एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ है जिसमें क्यू नॉट एक फिक्स चार्ज है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने विद रिस्पेक्ट टू अदर चार्जेस फाइंड करनी है ना। जैसे क्यू नॉट की पोटेंशियल एनर्जी जो क्यू वन फील कर रहा है, क्यू नॉट की पोटेंशियल एनर्जी जो क्यू टू फील कर रहा है, क्यू नॉट की पोटेंशियल एनर्जी जो क्यू थ्री फील कर रहा है। इस तरह के सिस्टम को अगर हम एड अप करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनती है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑल ऑफ दिस चार्जेस इज़ 1/4 क्यू नॉट इसमें होगा और क्यू आई, क्योंकि क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री है तो हमने इसको क्यू आई लिख दिया इनको, जो कि डिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री है तो हमने इनको जनरल फॉर्म में आर आई लिख दिया। ठीक है जी, तो यहाँ से अब क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है क्योंकि वेरी नहीं कर रहा, इसको इस मिशन से बाहर निकालें तो ये तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल फार्मूला हो पोटेंशियल एनर्जी टू चार्ज क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट एट पॉइंट ए पे, तो हम ये भी कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी हो तो चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट ए। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि 1/∞ देखें ना, अब ये 1/r के इक्वल है, तो अगर आप r को इन्फिनिटी पुट कर दें तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाती है। ठीक है, आप पोटेंशियल, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है हम उसे कहते हैं कि ये उसका पोटेंशियल है। जैसे अगर स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो हम कहते हैं कि दैट स्टूडेंट इज़ ऑफ ग्रेट पोटेंशियल। तो बिल्कुल इसी तरह से चार्जेस के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिस चार्ज के पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जिस चार्ज के पास कम एनर्जी होगी उसका कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो उसका जो यूनिट है फार्मूला इसका ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी कैरीज बाय अ यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल एनर्जी कैरीज बाय अ यूनिट चार्ज, और इसका फार्मूला जो होता है वो जॉल पर कूलम होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, सपोज उसके दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिफरेंस होता है, ये वी आई है ये वी एफ है, इनिशियल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस वही हो गया फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, तो यू वी एफ की जगह यू एफ बाई क्यू लिखें, वी आई की जगह यू आई बाई क्यू, मतलब एक चार्ज क्यू जो है वो इनिशियल से फाइनल पोजिशन पर गया तो इसका फर्क डेल्टा यू बाई क्यू आ जाएगा, डेल्टा वी को आप वी एफ माइनस वी आई, ये सारी चीज़ें ऐसे लिखें। और इसको ऐसे, अब हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम की एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, पहले पहले स्लाइड में पढ़ा था, यू की जगह माइनस डब्ल्यू लिखें, ये यूनिट इसका ये आ जाएगा।
अच्छा जी, तो आप वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप देखो ना, ये वी एफ माइनस वी आई, अगर आप इसमें यू आई को अगर सपोज ज़ीरो पुट कर दें तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो उसकी वजह से वी आई भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वी यू आई को ज़ीरो हम इस वजह से पुट करते हैं एट इनफाइनाइट।